आलिया भट्ट और रणबीर कपूर टिंसल टाउन के मोस्ट फेवरेट कपल्स में से एक है। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने अप्रैल 2022 में अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में अपने घर में ही शादी की। उसी साल आलिया और रणबीर ने अपनी नन्ही बेटी राहा का स्वागत किया, जो अपनी क्यूट जेस्चर्स से कुछ ही समय में फैंस की पसंदीदा बन गई। हाल ही में रणबीर की बहन रिधिमा कपूर सहानी ने राहा के बारे में कुछ खुलासे किए हैं। अनुष्का अरोड़ा से बातचीत के दौरान रिधिमा ने कहा कि उनके पिता ऋषि कपूर के निधन के बाद से कपूर परिवार बहुत करीब आ गया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तब से हम सभी करीब आ गए हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसीलिए ये परिवार को बहुत करीब ले आया है, क्योंकि निश्चित रूप से परिवार में बहुत से फैमिली मेंबर्स गुजर चुके हैं और मैं अपने नजदीकी परिवार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं विस्तारित परिवार के बारे में भी बात कर रही हूँ। हम सभी और करीब आ गए हैं और ज्यादा एकजुट हो गए हैं। रिधिमा ने आगे बताया कि वो अक्सर हर दूसरे दिन एक दूसरे को फोन करते हैं। हर दिन एक दूसरे से ना मिलने के बावजूद वो जानते हैं कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। फिर उन्होंने अपने परिवार में शामिल होने वाली छोटी सदस्य राहा के बारे में बात की और बताया कि राहा उन्हें क्या बुलाती है। प्यारी बुआ ने उन्हें मेरी स्ट्रॉबेरी के रूप में टैग किया और कहा कि राहा उन्हें बू कहकर बुलाती है। इसके अलावा उसी बातचीत में रिधिमा ने खुलासा किया कि उनकी बेटी समाना उनके भाई को आरके कहती है, जो रणबीर कपूर का संक्षिप्त रूप है। उन्होंने बताया कि वो चाहती थी कि समाना रणबीर को या तो मामू या अंकल कहकर बुलाए, हालांकि वो उन्हें आरके कहकर बुलाती रही, जो अभिनेता भी चाहते थे। फिलहाल राहा कपूर को लेकर रिधिमा कपूर सहानी द्वारा किए गए खुलासे के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।